प्यारी प्यारी दो अखियां सुभाष चंद्र बोस एंड एंड व्हाट डू वी से इंडियन नेशनल आर्मी. तो गाइस अभी रेड फोर्ट से निकलते हैं, मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, थोड़ा सा लेट हो गए. मेरे को करने की जरूरत नहीं है, जो ये अपने आप कर रहा है. सो मिस्टर शिवम आए थे यहाँ पर जिम करने के लिए और बहुत ही सुंदर मशीन यहाँ पर इन्होंने रखी हुई है. बेसिकली ऐसा प्लान किया अपना. द प्लान फॉर टुडे इज एक तो असी जाना अच्छा रेड फोर्ट गुरुद्वारे जाना तो असी जाना अच्छा लोटस टेंपल. कल इंडिया गेट कितना गेट सेगा पर दूरों देखने को मिला इधर दूरों देखने को मिला नज़दीक तो देखने को मिला नहीं. चलो गाइस हाँ सवेरे 6 बजे खुल जाता तो शाम ही बंद हो जाता. Guys, अभी we are ready, totally ready है भाई. मैं तो सुबह रेडी हो गया था, वो बीच में जिम नमूने जैसे को लगाना था एंड ये देखो आ रहा है ये. बस थोड़ा तो सब क्रेजी है रील्स पा दे. 50,000 सब्सक्राइब वो फॉलोअर्स करके सारी मैं जल्दी है. ओ लुधियाना जेल में कैदी के बर्थडे पार्टी की होगी जांच. जेल में पार्टी बर्थडे पार्टी ओ माय गॉड. केक कटे हो गए नहीं यार कटे होने को. ओके नाइस चलो तैयार शो गाइस हम अपन बाहर निकल के मिलते हैं. ये देखो ये है ट्रैफिक जाम भाई. अभी होटल से हम जस्ट निकले हैं, इधर रेलवे स्टेशन है बजा में बाइक में बजा गई है. बाइक में जाते आते चल के जाना इज द बेस्ट ऑप्शन. ट्रैफिक भी हो जाता है. यहाँ पर ये हम देखे आज स्मार्ट बाइक इलेक्ट्रिक बाइक यहाँ पर खड़ी है एंड करा रहे यहाँ पर एक बार के लिए करा लेते हैं. एक टाइम देख ही कर सकता. चलो चलिए चलो मैं भी कर लेना गाइस एंड देन वी बाइक राइड स्नूप सिंह दिल्ली on a bike Kathmandu motorcycle te Delhi bike te. So guys lo bhai finally hum pahunch gaye hain Shri Bangla Sahib Gurdwara. Teen jode apne jama kara diye. Andar chalte hain abhi matha dekhne. ये था अंदर से गुरुद्वारा एंड इधर है ये सरोवर. इस सरोवर में जाकर हम मथा देखेंगे एंड इसके बाद अब हम डायरेक्टली जो अगली डेस्टिनेशन के लिए बाहर ही निकलते हैं. हम अपना अगला स्टॉप केड़ा फिर रोटी परौठे वाली गली परौठे. इस टाइम तो नो आई एम नॉट हंग्री नो जा रहे हैं पर है रेड फोर्ट. चलो फिर रेड फोर्ट चलते हैं. इस नेक्स्ट स्टॉप रेड फोर्ट.
ट्रिंग ट्रिंग। हमने अपने साइकिल अनलॉक एंड अब जा रहे हैं रेडफोर्ट की तरफ। मेरे अपन स्पीड लिमिट तो नहीं टपांगे, चलता रहा फिर। जाओ जी। गाइस, बंगला साहब गुरुद्वारे की मेन एंट्री, दिस इज द एंट्री एंड पार्किंग के लिए भी लोग इधर से जा रहे हैं। हम बैक साइड से लगे थे, 50 सेकंड्स मोर टू वेट एंड वहां सीधे हम जाएंगे वो रोड पे। फुल गाइस, अभी जो मेरी आवाज है वो सही आ रही है, माइक मैंने यहाँ पर लगा लिया, वी आर टोटली माइक्ड अप एंड शिवम के लिए भी एक माइक मैंने रेडी रख लिया। विल नाउ गो बैक, होटल पे आए थे, यहाँ पर माइक उठाया, नाउ विल गो बैक एंड मीट यू ऑन अ वे टू रेड फोर्ट। इसके भी लगा दिया माइक, होपफुली आपकी जो आवाज है वो सही आ रही होगी। आपको भी आवाज आ रही है? हेलो 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 हेलो, गुड मॉर्निंग ग्लेन। ये हम खड़े हैं इंडिया के फ्लैग के पास में, उधर है द स्टेडियम, द क्रिकेट स्टेडियम। और ये मिस्टर यहाँ से चल ही नहीं रहे हैं, बीच रोड में आके इसको जो है स्नैप डालनी, मोबाइल यूज करना है, इसको याद आ गया। चल पड़ो भाई, वैसे साइकिल चलाने में बहुत मजा आ रहा है। बंद बंद कर दे, बंद कर दे। तो क्लोल पे क्लोल हो गई, अराउंड 3-4 मिनट का रिकॉर्ड किया एंड उसमें आवाज ही नहीं आई, बिकॉज हमने अपना जो माइक है वो तो ऑन कर लिया, जो रिसीवर था वही नहीं ऑन किया। सो हम आपको एक समरी देते हैं तो क्या हुआ। हमने पार्किंग लगाई अपनी साइकिल्स की कौन से मैदान में, परेड ग्राउंड में। फिर वहाँ से हम चल कर आए रेडफोर्ट तक, रेडफोर्ट में यहाँ पर बुकिंग कराई, लाइन में लगे थे, लाइन में लगते हमने साइड पे देखा वहाँ पर QR कोड लगा था, QR कोड स्कैन किया तो वहाँ से पेमेंट करी, 2 टिकट हमने ले ली एंड देन हमने आकर देखा, क्या देखा, लाल किला लाल है। लाल किला लाल है, ताही इधर नाम लाल किला, ब्रो किला या लाल रंग, वाओ रेड फोर्ट इधर नाम ही आई थिंक कहाँ पे होना, बिकॉज इट इज अ फोर्ट एंड इट इज रेड। ओ माय गॉड, भूपेंद्र जोगी अंदर जाके थानू मिल जाए रेड फोर्ट के अंदर। मित्रों एटीट्यूड देखो गाइस, एटीट्यूड हो तो ऐसा, नहीं तो ना ही हो। तेरी प्यारी प्यारी दो अखियां दर्द पाए मुझे सारी रखियां, तेरे बिना दिल नहीं लगता, तेरे बिना दिल नहीं लगता। This is the red fort. Rush wala. Tere se yahan pe khali hunda. Shadi rush. Lo bhai, enter kar gaye hum. This is the official entry in the red fort. Starting mein market mein aa gaya bhai. Guys, abhi hum jis bazaar mein se aaye hain, Desh Bazaar. This was known as Chhatta Bazaar, Chhatta Chowk. एंड इसका मतलब होता है कि कवर्ड बाज़ार, जो कि 17th century में बहुत ज़्यादा अनयूजल था। एंड जो शाहजहाँ था उनको पेशावर में यहाँ पर जो है वहाँ से इंस्पिरेशन मिली थी, स्टिमुलेटेड बाय वन शाहजहाँ सॉ इन पेशावर, पेशावर में उन्होंने देखा था तो उन्होंने यहाँ पर बनवाया। और इसको पहले बाज़ार ए मुसक्कर मुसक्कफ भी बोलते थे। ओरिजिनल फ्लोर था रेड फोर्ट का एट दैट टाइम, ये अभी दिख रहा है देखो। ग्राउंड लेवल ऑफ द फोर्ट हैज चेंज सिंस द mid-1800s एंड कैन बी सीन हियर। सो मतलब जो मेन फोर्ट था उसका लेवल इससे काफ़ी ज़्यादा नीचे था जहाँ पर हम ऑलरेडी है। सो दिस वॉज द ग्राउंड, ये है फर्स्ट फ्लोर ऑफ द म्यूजियम। इतना सारा कुछ ना, इस सीरियस में पढ़ने का टाइम नहीं बिकॉज आगे कई जगहों पर जाना है। बट दिस इज़ द बहादुर शाह जफर्स
स्वॉर्ड एंड स्कैबर्ड, मतलब तलवार और क्या बोलते हैं उसका कवर, यार क्या बोलते हैं कवर को, ये आई थिंक ये तोप के गोले होंगे या कैनन बॉल्स फाउंड नियर कश्मीरी गेट, कश्मीरी गेट के पास में ये गोले मिले थे। गाउन ऑफ बहादुर शाह ज़फर, इन्हें छोटे जैसी का शी नूब, क्वीन की स्कर्ट, क्वीन की स्कर्ट ऑलमोस्ट गाउन जितनी है पूरी, नूब, आई एम नूब। Capture of Delhi and thus the great war of India was lost in Delhi. The British had again captured Delhi, but the struggle went on in other parts of the country. Redford was occupied by British on September 1857. 90 years Redford इन्होंने कब्जा कर रखा था. And the headquarters of Delhi Field Force was established there. 90 साल इन्होंने रेड फोर्ट तक कब्जा करके रखे। अगर आप लोग इस पढ़ना चाहते हो तो यू गाइस कैन पॉज एंड रीड द थिंग्स विच आई कैन पॉसिबली शो। दिल्ली के गद्दार, ट्रेटर्स ऑफ दिल्ली, इन दिल्ली ट्रेटर्स लाइक गौरी शंकर, तौरब अली, जीवन लाल एंड फ्यू अदर्स वर स्टेशन्ड हू स्पाइड फॉर ब्रिटिश through a chain of messengers. Day to day information about Delhi was sent to British and greed of money. Yeah, exactly. Defame karna chahte hai bro, defame. So basically is yahan par this is all the history of Red Fort and kya kya hua tha iske aas pass mein. The northwestern frontier provinces. Trees were scarce and number of prisoners too great for hanging. Hanging of sepoys at Peshawar, Pakistan mein jo. This is another part of this museum, guys. And Lucknow, I think yahan par Lucknow ke bare mein yahan par jo sara bataya gaya. And yahan par ye projector hai, inhone chala rakha hai. I think this time ki history ka sara, jo ki dhang se dikh nahi raha hai, dhang se sun bhi nahi raha hai. Kathmandu se mera aur Shivam ka nara yahi tha. Ye hai us time ki pistols, guys. Daggers, Rajput daggers, the rifles and the axe, battle axe. General order by His Excellence the commander of army. नहीं कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ इन कंटिन्यूशन ऑफ जनरल कोर्ट मार्शल, बैक्ड बाय द पीपल अंटिल ही बी डेड, बैक्ड बाय द नेक अंटिल ही बी डेड, हैंग्ड बाय द नेक अंटिल, हैंग बाय द किधर भरे है मुगल पांडे, मंगल पांडे, अच्छा मंगल पांडे, मंगल पांडे, मंगल पांडे, इट ऑल स्टार्टेड विद मंगल पांडे। 13 अप्रैल 1919 याद में बना है ये, thousands sacrificed their lives for our freedom, permission release have passed but the bullet marks still remain, but ये सारे यहाँ पर history दिखा रहे हैं जलियांवाले बाग के लिए। Notice displayed at Jallianwala Bagh read, this place is saturated with the blood of thousands of Indian patriots who were massacred in Vietnam and to bring here from British and General Dyer of the British Army on fire. So basically यहाँ पर दिखा रहे कि जो General Dyer थे उन्होंने जो open fire करवा दी थी जलियांवाला बाग में उसके लिए यहाँ पर जो है इन्होंने याद में उनकी याद में बनाए गए जलियांवाला बाग मेमोरियल। उन्होंने पापा का नाम भी लिखा है सन ऑफ डैश डैश, सारे नाम लिखे हुए ए विदेश। अपर रियल देखे है, लिटरली अपर रियल प्लेस देखी है जिथे बुलेट मार्क्स भी है, मैं कह रियल प्लेस देखी है। एन इंडियन रिवर्स फॉर द केसर एंड दीज आर द पोस्टर्स ऑफ दैट टाइम आई बिलीव, यस दीज आर द पोस्टर्स। ये यहाँ पर इंडियाज़ कॉन्ट्रीब्यूशन टू द वॉर उसकी हिस्ट्री के रिलेटेड जो है ये भी फोरकास्ट चल रहा है। पोर्ट्रेट्स ऑफ इंडियन लेंसर्स सिपाहीज, हमारे सैनिकों को केवल शत्रु से ही नहीं
Last but not the least, from the Red Fort, यहाँ पर है रिजिस्टिव पंजाब, क्रांतिकारी पंजाब, पंजाब के रिलेटेड यहाँ पर जो सारी हिस्ट्री दी हुई है. Almost 60% of soldiers sent to war were from Punjab and in some village. In the absence of able bodied men, the women had to perform many hard roles. Epicenter of post-war revolutionary nationalism, which was an outcome of politics and the political leadership and the Gadar party that had, been formed in San Francisco in 1913. Crazy, man. Gadar. Gadar distributed pamphlets and circulated subversive literature in various languages to spread the message of mutiny. ये है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की टोपी. क्या नेताजी की 122वीं जन्म जयंती पर लाल किला दिल्ली ने बोस और आज़ाद हिंद फौज संग्रहालय के उद्घाटन पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की यह टोपी श्री चंद्र कुमार बोस द्वारा माननीय प्रधानमंत्री श्री को भेंट में दी गई. सो इज दिस इज द म्यूजियम सुभाष चंद्र बोस एंड व्हाट डू वी से एंड इज इंडियन नेशनल आर्मी, उनकी आर्मी किस लिए यहाँ पर ये सारा ही बना हुआ है. शॉर्ट एंड शेप ऑफ सुभाष चंद्र बोस जी, आई कार्ड ऑफ आई ने सोल्जर, बैजेस एंड मेडल्स ऑफ द आई एन ए, द करेंसी ऑफ दैट टाइम 100 रुपये 100 रुपये 10 रुपये 10 रुपये 100 रुपये 10 रुपये एंड उस टाइम की मेजर एंड कैप्टन शोल्डर साइनिंग्स. ओरिजिनल फ्लैग्स ऑफ दैट टाइम गाइस, इंडिया के फ्लैग जो उस टाइम पे जो बने थे, द वन विद द टाइगर एंड द वन विद द चरखा, एंड दिस इज द बोस फैमिली, द डॉक्यूमेंट्स, द करेंसी, द कैश बुक एंड द हैट. आईने बैजेस and is all his weaponry and flags and everything is here with him. So guys, अभी रेड फोर्ट से निकलते हैं. मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, थोड़ा सा लेट हो गए. 5 बजे जो है वो लोटस टेम्पल बंद हो जाता है, 6 बजे इंडिया गेट बंद हो जाता है और हम वहाँ से निकले 5:30 बजे. और अब साइकिल पे घूम रहे हैं बिकॉज तो साइकिल भी पार्क करनी है, जहाँ से उठाई थी रेंट उठाई थी वहाँ से वापस रखनी भी है. तो हमने देखा कि हम जाते हैं अब टाको बेल जाते हैं, फिर लास्ट अपनी मील वगैरह करके एंड आगे निकलेंगे. तो भाई साहब ने ते हम अपा वापस कनॉट प्लेस वाले चल रहे हैं बिकॉज जो मेन टाको बेल है उधर ही है. घोड़े नाल चिकन मिठाए, घोड़े नाल चिकन मिठाए, घोड़े नाल इश्क मिठा, आई थिंक राइट मुंडा है, लेट्स गो. घोड़े नाल इश्क मिठाए, अभी मैं यहाँ पर अपनी साइकिल जो लॉक लगा के आ रहा था, ये वाली मैंने रखी थी ना, और ये वाली शिवम के हमने, हमारे को याद नहीं था कि बीच रास्ते में हमने चेंज करी थी कि ये शिवम के ये मेरे ऐप से करिए. तो मैं आके जब ये यहाँ पर लॉक करना है, लॉक ही ना यहाँ पर जो बंदा खड़ा होता है जो ये सारा देखता है कि हो किन रही है वो चेक करने लगा. तो जब शिवम ने आके लगाई तभी याद आया कि हम दोनों ने तो साइकिल स्विच करी थी, तो जब अपने अपनी साइकिल का करा तो हो गया. तो अब पूरा दिन साइकिलिंग करके थक गए हैं, प्यास लगी है, तो यहाँ पर बारी है अब नींबू पानी पीने का. गूगल पे या ग्लूगल पे कर देंगे, ग्लू ग्लू पे कर देंगे या ये कर देंगे.
ये आ गए अपने मसाला सोडा के ग्लासेस एंड चेक करेंगे। चीयर्स। Wait a minute. खाना अच्छा खासा ऑर्डर कर दिए, ऊपर वाले फ्लोर पर आकर बैठे हैं। टेबल ऑर्डर नंबर 39, टेबल नंबर 17 एंड जस्ट वेटिंग फॉर आवर ऑर्डर। गाइस अपना ऑर्डर नाचोस टाको केसडिया, ये चार चीजें आ गई हैं। फ्राइज रह गए हमारी और कोल्ड ड्रिंक रह गई है, तो आराम से खाते हैं। Let me taste the fries nachos. Simple Doritos hai. Good. Thank you. Kitne log khana rahe ho Sarush? Do log. Yeah. We froze it. Hey guys, unlimited hai. मैंने तीन टाइम जो अपना टारगेट रखा रिफिल करके पीने का वो पी लिया है। शेम की अभी तीसरी रिफिल यहाँ पर पड़ी है, अभी पीनी इसने, पापा का इसके कॉल है तो वो बात कर रहा है। एंड बाकी हमारा खाना पीना हो गया, अब हम जाएंगे होटल। कई इधर हमारा सारा खाना पीना हो गया एंड टाइम हो रहा है, अभी टाइम क्या हो रहा है, 7:30 हो रहा है। साढ़े सात बज रहे हैं ते कल आप इंडिया गेट जो तुर के गई थी उधरों की वापस आप तुर के होटल आई थी, बट टुडे इस कनॉट प्लेस को न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन जो है वो है अराउंड आधा घंटा तुर के है। सर जी कहते हैं कि अज आप तुर के नहीं जाना, मेट्रो ते जाना। मेट्रो फड़ांगे, मेट्रो इधर नेड़े हैगा, कोई स्टॉप उधर फड़ांगे, उधर लेके रेलवे स्टेशन वाले जो मेट्रो है उधर तक जाऊंगे, उधर तुर के अगे अपना होटल। जो अद्धे घंटे का रास्ता पूरा तुर के है वो 15-20 मिनट लगोगे सानू विद मेट्रो एंड एवरीथिंग। हम आप इधरों निकलते हैं एंड मिलते हैं मेट्रो। चलिए, मैंने एंट्री कर ली है और शिवम जो है उसका कार्ड जो है वो चल नहीं रहा था, एंट्री नहीं ले रहा, तो अभी वो कस्टमर केयर की तरफ पे गया है, वहाँ पर खड़ा होकर दूसरी तरफ पे वो ही बात कर रहा है अभी। अरे कभी खड़ा हो गया, चलो हम 12.5 रुपए तुझे देने पे रहे मेरे 12.5 बस 30 चल 12.5 तू दे ता सही फिर पॉन्स्टार्स वाली फीलिंग ले जाता मेरे गाइस PAWN स्टार्स या एग्जैक्टली वाली फीलिंग 30,000 में आपको ये बेच रहा था, नहीं मैं 10,000 दूंगा, चलो 20 नहीं 15 में मेरे पैसे देने हैं। आप इतने आ गए 12 खंबा रोड से, 12 खंबा रोड तो आप थले जाना नेक्स्ट स्टेशन उधर, चलो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन वाले चौक पे हम उतर गए, चौक पे मतलब मेट्रो स्टेशन पे। एंड अभी निकलते हैं होटल के लिए। एग्जैक्ट रेलवे स्टेशन है जहाँ हमारे को आना है अभी कल शाम को। मेरे मन लगता है आप लेफ्ट साइड से जाना, ओके नेवर माइंड, राइट साइड में जाना। NMV लिटरली गाइस रेलवे स्टेशन के विचों होके जा रहे हैं। May I have your attention, please? No. Please. नहीं। पहाड़गंज की नॉट प्लेस। इधर ना एकदम गाइस लॉस वेगास वाली फील बनाने की ट्राई कर रही है, ऐसे ब्लिंकिंग लाइट्स जो बाहर की तरफ निकल रही हैं। निकलो निकलो, यहाँ पहुँच गए। तो दिस इज आवर होटल रूम एंड क्या कबाड़ा मचा हुआ है, यू कैन जस्ट इग्नोर इट। एंड
इसी तरह मेरे आज का जो दिन अच्छे से ब्लॉग है का खत्म करते हैं। और आपको जो आज का दिन अच्छा लगा हो, जो हमारी साइकिल इधर उधर हम लेकर घूमे हैं, जो कि हमने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था सुबह के दिन में हम ये करेंगे, आधे से ज्यादा दिन हमने उसमें बर्बाद कर लिया साइकिलिंग में। लिटरली जो दो डेस्टिनेशन मेजर डेस्टिनेशन जो कि लोटस टेम्पल एंड गुरुद्वारा से शीशगंज साहब, ये दो गुरुद्वारे और जाने थे, ये गुरुद्वारा एंड लोटस टेम्पल जाना था, ये दो जगह पर हम जा नहीं पाए बिकॉज हम साइकिलिंग करते रह गए। सो होपफुली आपको आज का ब्लॉग है वो अच्छा लगा होगा एंड मिलते हैं आपसे कल के दिन पे कल के ब्लॉग के लिए। तब तक लगे गुड बाय, लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना योर फेवरेट पार्ट ऑफ दिस ब्लॉग एंड आपको ये ओवरऑल सीरीज अब तक कैसी लगी जरूर बताना एज वी आर कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस सीरीज। मिलते हैं आपसे हम कल, तब तक गुड बाय 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 बाय, टेक केयर। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।